तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में गरिमा जी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं लुकअप मेथड। और लुकअप मेथड की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने वी लुकअप्स और उनके बारे में समझाया था, और आज जो है हम आपके साथ बातचीत करेंगे उससे आगे मैश इंडेक्स ऑफ सेट एंड एक्स लुकअप के बारे में। तो गरिमा जी, क्लास शुरू करता हूँ जस्ट कुछ सेकेंड्स में। जो लोग यूट्यूब पे मेरी वीडियोज देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा तक देखिएगा, क्योंकि एक कंसेप्ट है, कोई गेमिंग नहीं है या कोई फनी वीडियो नहीं है कि आप थोड़ा सा देख के हट जाए। पूरा तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रिकी और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला आज मैं बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो की पूरी सिक्वेंस चाहिए आपको तो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में आप गरिमा जी की तरह मुझे मेरे साथ वन टू वन लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लास फॉर्म भरें और शुरू करें। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है। तो गरिमा जी, हम बात कर रहे हैं वी लुकअप के बाद की चीज़ों के बारे में। जैसे आपके पास अगर एक डेटा इस तरह का है, अब मुझे चाहिए कि भाई 5 का नेम कौन सा है, जनरली आप लोग क्या करेंगे, वी लुकअप लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टू कॉमा 0 कर देंगे, तो आपका डेट या नेम के लिए 3 कर देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे, नेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर ये जो आईडी है यहाँ पे ना रह के यहाँ पर है, अब तो नहीं लुकअप करेगा, क्योंकि वी लुकअप हमेशा जो है लेफ्ट टू राइट लुकअप करता है। कहाँ लुकअप करता है? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट लुकअप करता है, तो यहाँ मेरा आईडी यहाँ पर है तो इसे क्वांटिटी एमआरपी तो लुकअप कर देगा, बट नेम सिटी एरिया जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को लुकअप नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए हमारे पास जो है फॉर्मूले हैं मैच के फॉर्मूले, मैच, और मैच लगाया और अपने डेटा को सिलेक्ट किया एंड कॉमा 0 कर दिया, यहाँ पे 3 आया, 3 आया। तो ये 3 जो है इस 3 से कोई लिंक नहीं है, इसका एक काउंट करता है, एक काउंट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है तो 6 आया, ये 6 से लिंक नहीं है क्योंकि एक काउंट करता है। अगर मान लीजिए मैंने सिलेक्शन अगर E2 से कर दिया तो 5 आएगा, तो इसने काउंट किया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। तो हमें जो भी आईडी हम लिखेंगे उसका सीक्वेंस नंबर या सीक्वेंस रो नंबर यहाँ पे आपको दे देगा मैच फॉर्मूला। हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है इंडेक्स का। इंडेक्स फॉर्मूला क्या है कि आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लें, डेटा सिलेक्ट कर लिया, इसमें हमें रो नंबर एंड कॉलम नंबर देना होता है, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। तो मैंने रो नंबर जो है यहां पे रो नंबर दिया यहां पे 6 एंड कॉलम नंबर मैंने दे दिया 1 एंड 2, तो ये हमारा नेम आ गया। अब नंबर चेंज होगा, इसमें 8 कर दिया, 8 करते ही यहां पूजा सिंह आ गया। सर मैम, अब गुड आउट इसमें ये वाला इंडेक्स वाला, ये आपने C14 में क्या सिलेक्ट किया है? C14 में मैच का फॉर्मूला है जो कि इसका रो नंबर निकाल के देता है ना सर। अब ये जोड़ी थोड़ी है कि 8 होगा तो यहाँ पे 9 ही आएगा, यार नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, अब कहीं भी लोकेशन में हो सकता है। तो मैच क्या कर रहा है कि ये ढूंढ के दे रहा है कि इसका रो नंबर क्या है, और मैच ने जब रो नंबर ढूंढ लिया तो रो नंबर ढूंढने के बाद उसका एक चीज बताइए, सॉरी, जैसे मैच के फॉर्मूले से हम वो वैल्यू को सेल्फ रेफरेंस ले लेते हैं कि वो कौन से रो या कॉलम में है, तो इंडेक्स का फॉर्मूला क्या इंफॉर्मेशन लाने के लिए होता है? जी हाँ, तो मैच जो है जस्ट रो एंड कॉलम नंबर ही देता है, आपकी वैल्यू नहीं देगा। तो मुझे इस रो एंड कॉलम नंबर के बिहाफ पे मुझे किसी और रो एंड कॉलम के नंबर डेटा चाहिए, तो उस केस में हम इंडेक्स का यूज करते हैं। इंडेक्स में हमने अपना डेटा को सिलेक्ट कर लिया और बोला कि भाई इस डेटा में से
नौवें नंबर रो और दूसरे नंबर कॉलम, ए बी नौ नंबर रो मतलब कि ए बी सी डी, और इससे नहीं चलता है, काउंट चल देता है। इसलिए यहाँ से काउंट करके नौवें नंबर रो पे आया और दूसरे नंबर कॉलम पे आया और डेटा पूजा सिंह आपको ये जो है वो दे दिया। बट इंडेक्स फॉर्मूले में दिक्कत क्या है कि आपको पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज और है कि ऑफसेट का फॉर्मूला, नहीं आपको इसके नेक्स्ट स्टेप में लगाया तो हो सकता है कि कल के डेट में डेटा आगे बढ़ जाए ना, तो फिर आपको रेंज को चेंज करना पड़ेगा। बट ऑफसेट फॉर्मूला आपको जो है इंडेक्स की तरह ही काम करवाया जा सकता है लेकिन वो सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सिलेक्ट करता है। हमने सिलेक्ट कर लिया A1 से हमने बोला कि नौवें नंबर रो और हमने बोला दूसरे नंबर कॉलम, बट यहाँ एरर देगा, डेटा गलत देगा, इसे दिल्ली दिया। क्यों? क्योंकि ऑफसेट जो है इंडेक्स की तरह वन से काउंट नहीं करता है, वो काउंट करता है जीरो से, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। माइनस वन करना चाहिए। अब यहाँ पे जीरो वन टू है इसलिए दिल्ली दे रहा है, यहाँ पे वन कर आ गया पूजा सिंह। तो यहाँ अब रोल, यहाँ पे आईडी नंबर हम कुछ भी देंगे, आईडी नंबर कुछ भी देंगे। इसे हमने यहाँ पे दे दिया 10, तो 10 सॉरी 10 तो है नहीं, मैं देता हूँ 5, तो 5 के बिहाव पे आपको दे देता हूँ। ठीक है जी जी, डाउट्स में नहीं नहीं ये क्लियर है। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे हमने सी थ्री माइनस वन, ये वन हमारा कॉलम नंबर है क्या ऑफसेट में? हाँ ये कॉलम नंबर है, रो नंबर कॉलम नंबर। बट हमने पिछले वाले में जो इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया था उसमें हमने कॉलम टू डाला था, इसमें कॉलम वन डाला है, और वन कॉलम में तो डेट्स है। नहीं ये आपको पता है तो जीरो से काउंट करता है, जीरो वन आएगा ना। देखिए ऑफ, देखिए ऑफसेट में अगर आपने वन दिया तो टू हो जाता है क्योंकि वो जीरो वन। अच्छा समझ गए, इसलिए तो मैंने यहाँ पे माइनस वन किया था। क्यों माइनस वन किया? क्योंकि जीरो से काउंट हुआ तो सिक्स सेवन हो गया। ठीक है जो है हमारा एक फॉर्मूला और है, जो नया फॉर्मूला है वो है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो नहीं आपको मैच यूज करने की जरूरत है, नहीं आपको इनडायरेक्ट यूज करने की जरूरत है, ना ऑफसेट, ना ही वी लुकअप, ना ही एच लुकअप। अब समझिए एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू, जो फाइल को लुकअप करना है, फिर होता है लुकअप एरे, मतलब कौन से कॉलम में, तो हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया आई डी। ओके रिजल्ट किसका देना है, तो हमने बोला बी कॉलम का नेम, राइट, एंटर प्रेस कीजिए, लिख देता आपका आगे। इसमें एक चॉइस ही और भी है, इसमें 10 लिख दिया यहाँ एरर आ गया। हाँ जी, अब इस एरर को हैंडल करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इस एरर फॉर्मूला। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप एक्स लुकअप यूज करते हो तो यही में एक आपको जो है ऑप्शन होता है कि वैल्यू इज नॉट फाउंड, तो हमने बोल दिया डेटा नॉट फाउंड, राइट। हाँ जी आ गया यहाँ पे। हाँ जी क्लियर है। हाँ जी, अब इसमें चीज और भी आती है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ 5 को ढूंढ रहा हूँ, राइट, और 5 जो है दो बार रिपीट है, तो ये आपको नीतू दे रहा है, फर्स्ट दे रहा है। हाँ जी, लेकिन एक्स लुकअप में ऑप्शन आता है एग्जैक्ट मैच तो करना ही करना है, यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट करेंगे तो पहला पहले जो से पहला आएगा वही शो करेगा। अगर लास्ट टू फर्स्ट आपने कर दिया एंटर मारेंगे तो फिर देख कौन सा दिखा रहा है, देव दिखा रहा है, मतलब कि ए नंबर दिख रहा है। तो इसमें आप लास्ट वाला भी ले सकते हैं, फर्स्ट वाला भी ले सकते हैं, इसके अंदर एक्स लुकअप।
तो एक्स लुकअप फॉर्मूला नए एक्सेल में है, पुराने एक्सेल में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं कि अगर मेरा डेटा ओरिजिनल हो तब क्या करें। जैसे आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे सीट नंबर 22, अब मेरे पास जो आईडी है वो आईडी वर्टिकल ना होके ओरिजिनल है, और मुझे यहाँ सातवें नंबर पे ज्वाइन किया, राइट? हाँ जी। तो यहां पे हम यूज करेंगे एच लुकअप फॉर्मूला। एच लुकअप फॉर्मूला हमने वैल्यू लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, देन हमने अपना डेटा सिलेक्ट किया। तो वी लुकअप की तरह सिलेक्ट करना है, वी लुकअप हम इस तरह सिलेक्ट करते हैं, देन एच लुकअप हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है वी लुकअप में रो इंडेक्स नंबर देते हैं, इसमें देना कॉलम इंडेक्स नंबर देते हैं, इसमें देना रो। क्या चाहिए हमें? नेम चाहिए। तो पहला, दूसरा एंड तीसरा, तीसरा और एग्जैक्ट मैच के लिए हमने जीरो कर दिया। आ गया। अब जैसे कि वी लुकअप हमने यहाँ किया हुआ, एच लुकअप मैंने कि एक्स लुकअप लगाया हुआ, एच लुकअप लगाया हुआ है, तो इसको हम मैच और इंडेक्स से भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैच का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चलता है, ध्यान रखिएगा। तो हमने मैच को लिया और अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, यानी कॉमा हमने यहाँ पे जीरो कर दिया। तो मैच ने बताया कि आठवां नंबर कॉलन है। क्या है? आठवां नंबर कॉलन। फिर यहाँ पे आप इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएं, इक्वल इंडेक्स, और इंडेक्स में डेटा को सिलेक्ट कर लें, कॉमा हम दे देते हैं आठवां कॉलम, यहाँ पे रो थ्री एंड कॉलम एट, क्योंकि इस बार कॉलम चेंज हो रहा है ना बार बार। जब इंडेक्स लग सकता है तो हम ऑफसेट भी लगा सकते हैं, कि ऑफसेट हमने आईडी को सिलेक्ट किया और हमने रो नंबर दिया टू एंड कॉलम नंबर को सिलेक्ट करके हम माइनस वन कर देते हैं। और आपके पास अगर लेटेस्ट एक्सेल है तो ना वी लुकअप लगाने की जरूरत है, ना एच लुकअप, ना मैच, ना इंडेक्स। मान लीजिए मुझे पांच नंबर का चाहिए डेटा, नेम चाहिए मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? जस्ट अप्लाई करेंगे एक्स लुकअप, इसको सिलेक्ट कीजिए। अब आता है लुकअप एरे, अपना लुकअप एरे सिलेक्ट कीजिए। तो एक्स लुकअप भी आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों चलता है। एक एक्स लुकअप फॉर्मूला बहुत सारे फॉर्मूले को खा गया, राइट? आ गया नहीं? क्लियर है? अब जैसे कि हमने इफ कॉलम और रो सिलेक्ट करते हैं ना, कि कौन से डेटा चाहिए और कौन से उसमें चाहिए, नहीं इसमें नहीं, हमने इसमें हमने एक्स लुकअप में आपको क्या लुकअप करना है, किसमें लुकअप करना है और कौन सा रिजल्ट देना है, जी ठीक है। नंबर्स नंबर डालने की जरूरत नहीं है इसमें। अब यही पे डेटा देखिए हमारे पास, आपको याद होगा मैंने आपको एक इफ फॉर्मूला जब सिखाया था, तो इफ फॉर्मूले में हमने आपको बताया था कुछ नेस्टेड इफ वाला फॉर्मूला कि मुझे इस स्लैब को अंदर ए इंसेंटिव चाहिए। अगर इस स्लैब को इस मोड में लिख दें, सबके जो स्टार्टिंग पार्ट है वो सारे स्टार्टिंग पार्ट लिख दिया आपने और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख दी, तो इसको वी लुकअप से भी हम लुकअप कर सकते हैं। वी लुकअप हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने डेटा सेलेक्ट किया कॉमा वन एंड टू एंड कॉमा, अब यहाँ पे जीरो नहीं करेंगे, जीरो करेंगे तो एग्जैक्ट मैच हो जाता है। हम यहाँ पे वन या टू करेंगे, अपेक्षित मैच जो होता है उसको यूज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आप देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया। ये क्या लुकअप करता है? देखता है कि ये जो वैल्यू है किसके बीच में है, जिसके बीच में है उसकी सामने वाली वैल्यू शो करता है। जैसे मान लीजिए मैंने 45 कर दिया तो 1000 है, तो इसने देखा 45 इनके बीच में है तो इसने इसको शो कर दिया। इसको जहाँ पे आपने ट्रू लिखा है वहाँ उसकी जगह अगर हम जीरो लिखते तो भी फॉर्मूला नहीं, नहीं नहीं नहीं, तब एग्जैक्ट मैच होता ना, फिर वो देखता है 45 है नहीं है, नहीं है तो जीरो पे वहाँ पे एम ने कर देता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? एरर आएगा। अच्छा,
फिर एक फॉर्मूला और होता है लुकअप का। लुकअप फॉर्मूला हमने उसको सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू एंड रिजल्ट वैल्यू दोनों का अलग सिलेक्ट करें। बस लुकअप फॉर्मूला का एक बेनिफिट होता है कि लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे लुकअप वेक्टर कॉमा रिजल्ट वेक्टर हमने मैनुअली सिलेक्ट ना करके हम कर्ली ब्रैकेट भी दे सकते हैं 0, 41, 81, 101 कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया कॉमा फिर वापस कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे 500, 1000, 2000 and 5000 इस तरह से लिख सकते हैं। ओके क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं। अब चलिए हम वी लुकअप के कुछ कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। जैसे आपके सामने डेटा है जिसमें आपने देखा नेम सिटी एरिया और क्वांटिटी है। मान लीजिए मुझे देव का क्वांटिटी चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा वी लुकअप लगाएंगे कि इक्वल वी लुकअप लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया और नाम से शुरू करके क्वांटिटी तक ले गए और कॉमा जीरो कर दिया, जीरो नहीं माफ कीजिएगा इसमें देना होगा हमें 4, 0 कॉलम नंबर 4 देना होगा, कौन सा कॉलम चाहिए तो 1, 2, 3, 4 हमने 4 दिया एंटर मारा रिजल्ट आ गया। ओके बट प्रॉब्लम ये है कि मैं लुकअप जो है ना सिर्फ देव नहीं करना चाहता क्योंकि एक सिंगल लुकअप तो सही है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंदर नोएडा में कितना सेल किया है, इससे पहले एक इंदर यहाँ भी है पुणे में तो इंदर पुणे में नहीं चाहिए इंदर नोएडा में कितना सेल किया है। अब यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम है कि आप जो है वी लुकअप में एक से ज़्यादा कंडीशन नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखिए हमें एक कंडीशन लगा रखा है, एक से ज़्यादा कंडीशन नहीं लगा सकते। एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए क्या करेंगे, हम एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे फिर हम नेम और सिटी को कॉनकेट कर देंगे। नेम और सिटी क्या किया हमने, कॉनकेट कर दिया। कॉनकेट करने के बाद हमने क्या किया पूजा जी, नीचे तक ड्रैग कर दिया तो एक यूनिक बन गया ना। अब यहां जहां मुझे क्वांटिटी शो करना है वहां भी हम सेम वी लुकअप यूज करेंगे और वी लुकअप में यहाँ भी हम नेम और सिटी को कॉन्केट कर देंगे सेम फॉर्मेट में और इस बार हम नेम को सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो कॉन्केट करके जो नया हमने आईडी बनाया है नया यूनिक बनाया है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर ड्रैग करके यहाँ एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम नंबर 5 चाहिए क्वान्टिटी में 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर हमने 5 दिया एंड कॉमा 04 एग्जैक्ट मैच। ओके रिजल्ट आ गया। दो इसमें हमने क्या किया, दो कंडीशन को मैच किया राइट। आपको तीन हुआ करना है तो क्या करेंगे, फिर इसी में आप तीसरा भी ऐड करेंगे एंड परसेंट यहां पे डैश एंड और जैसे हमने एरिया ले लिया एरिया मुझे क्या चाहिए, एरिया मुझे मान लीजिए चाहिए कि भाई नॉर्थ का मिलना चाहिए इन द साउथ नहीं नहीं यहाँ पे ईस्ट का मुझे ईस्ट का भी चाहिए तो यहाँ जहाँ पे वी लुकअप लगाया है उसी में एन परसेंट और यहाँ पे डैश फिर एन परसेंट अब क्या ले लेंगे ईस्ट ले लेंगे तो जितने कंडीशन होंगे उतना आपको कॉन्केट करके उसका यूनिक लिस्ट बनाना होगा। क्लियर है? हाँ जी। कोई डाउट इसमें? नहीं, ये लेकिन मुझे लगता है थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो आप ही करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, जैसे मेरे पास नाम है पूजा पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे डेटा में पूजा सिंह है ठीक है, मेरे डेटा में क्या है पूजा सिंह बट मैं पूजा को लुकअप करूंगा तो अगर आप वी लुकअप लगाते हैं पूजा को
4.0 तो रिजल्ट इनमें आया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एग्जैक्ट मैच करने के लिए बोला है और यहाँ पूजा कोई नहीं है। आप बोलेंगे सर ठीक है एक काम करता हूँ इस यहाँ पे वन कर देता हूँ तो लुकअप कर देगा। जी नहीं, 19 दिया ना पूजा के सामने, 19 तो यहाँ लीला के सामने गलत दे दिया सर। तो वन करने से कोई फायदा नहीं होता, राइट? तो क्या करें? तो इसके लिए आप जो इनपुट देते हैं उसमें स्टार लगा दीजिए दोनों तरफ। आ गया 22। तो स्टार मतलब क्या हो गया? कंटेन विद पूजा, मतलब पूजा कहीं भी हो, चाहे पूजा हो या सिंह पूजा हो तो लुकअप कर लेगा। लेकिन अगर आपने स्टार लिख के पूजा किया, लिखा ना आपका, ये हो जाता है एंड विद पूजा। तो यहाँ पे अगर मैंने दिया पूजा सिंह तो आपका इस पूजा को लुकअप ना करेगा, नहीं किया ना पूजा को लुकअप, क्योंकि एंड विद पूजा है हमारा, नॉट ए स्टार्ट विद। हमने क्या है? एंड विद पूजा है, मतलब कि अगर सिंह पूजा होता तो लुकअप कर लेगा, क्योंकि पूजा से लास्ट एंड हो रहा है, उससे आगे कुछ भी हो सकता है तो लुकअप कर लेगा। अगर यहीं पे आप पूजा लिख दिए फिर स्टार लिखे इसको बोलते हैं स्टार्ट विद पूजा। देखिए तब ये ले रहा है, 23 ले रहा है, इसको ले रहा है स्टार्ट विद पूजा। ये आपने ये स्टार जो लगाया है वो लास्ट में, दैट मींस एंड विद पूजा बोल रहे हो ना आप? नहीं समझे, आप लास्ट में स्टार लगाते हो तो पूजा के, देखिए स्टार का मतलब क्या होता है, इसके बाद कुछ भी, बात समझिए, इसके बाद कुछ भी, तो हमने पूजा के बाद स्टार लगाया मतलब कि इसके बाद कुछ भी। तो पूजा के जगह पूजा के बाद पूजा सिंह, पूजा शर्मा, पूजा वर्मा, पूजेश्वर, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, लेकिन पूजा होना चाहिए। अगर हमने पहले स्टार लगा दिया तो पूजा से पहले कुछ भी, स्टार का मतलब हुआ कुछ भी, तो आगे लगेगा तो आगे कुछ भी, पीछे लगा तो पीछे कुछ भी। समझ गई, जैसे हम वो टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाते थे तो उसके पहले ये वैल्यू चाहिए वैसे। हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ जी ठीक है। अब इसमें एक बारी आती है कि मेरे पास तीन मान कि दो डिजिट का कोई ए है, कोड है 15। अब एक कोड कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्योंकि वेंडर कोड है, बस हमें इतना पता है कि वो दो डिजिट का है। तो 10 दो बार क्वेश्चन मार्क दे दीजिए एंड आप वी लुकअप लगा दीजिए, समझे? जस्ट दो बार क्वेश्चन मार्क दीजिए और वी लुकअप लगा दीजिए, लुकअप कर दिया लुकअप। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब हुआ कि कोई भी दो डिजिट, स्टार इसमें भी आप लगा सकते हैं। इसको हम लोग लाइक कमांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइक कमांड। क्लियर है? अच्छा सर, ये H5 की जगह पे उसके अलावा भी होता है F5 A5, तो फिर क्या होता? नहीं हम F5 कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है सर। नहीं, रोल नंबर 16 में F5 है, H5 तो है ही अपनी जगह पे। रोल नंबर 16 में F5 है, एक नया है तो F5। सर तो पहला दिखाएगा, सबसे पहला जो वो दिखाएगा, मतलब ये लुकअप का काम ही है, लीनियर लुकअप इसको बोलते हैं, जो पहला आएगा उसी को दिखाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ H17 कर देता हूँ तो शायद दिखाएगा। हाँ, तो इसका मतलब सिर्फ एक पे ही एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे वी लुकअप, एच लुकअप या मैच, जो भी फॉर्म लुकअप मेथड का फॉर्म लगाते हैं वो लीनियर लुकअप करता है। अगर आपकी वैल्यू रिपीटेड है तो फर्स्ट को दिखाएगा और बाकी को नहीं दिखाएगा, इसलिए वी लुकअप बोलता है कि यूनिक आईडी के बिहाव पे चलिए। इसलिए तो बैंक में अकाउंट नंबर बनाया, अकाउंट नंबर क्यों बनाया गया? ताकि वो यूनिक रहे, डुप्लीकेशन ना हो, क्योंकि वहाँ भी तो लुकअप मेथड चलता है ना। बैंक में जाकर आप अकाउंट नंबर डालते, अकाउंट नंबर डाल देते, एंटर मारता है, रिकॉर्ड आ जाता है, वो भी लुकअप मेथड, वी लुकअप ही समझिए एक तरह से वो भी है। तो आपका लीनियर लुकअप चलेगा। अगर मल्टीपल है तो उसके लिए अलग चीज़ें हैं, अलग बताता हूँ। वैसे ही बताया आपने कि हमारे पास मल्टीपल नाम हो सकते हैं तो कैसे लुकअप करें, तो चलिए एक छोटा सा डेटा हम लेते हैं। तो अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो मान लीजिए मुझे पूजा का टोटल चाहिए डेटा। पूजा यहाँ पे कई बार रिपीटेड है,
तो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला फिल्टर का। किसका लगाते हैं? फिल्टर का। फिल्टर अब अपना डेटा सेलेक्ट कर लें, उसके बाद बताता है कि हमें मैच किसको करना है, इंक्लूड मतलब क्या इंक्लूड करना है। तो हमने नेम को सिलेक्ट किया और नेम हमने बोला इक्वल टू पूजा होना चाहिए, राइट। और एंटर प्रेस कीजिए, जितने पूजा है सारे आ गए। पूजा की जगह पे मैं देव करता हूँ, देव का आ जाए, सिर्फ देव नहीं है यहाँ पे, देव, देव का आ गया। नीतू डालूं तो नीतू का आ जाएगा। तो फिल्टर फॉर्मूले से आप जो है ना मल्टीपल हुआ तो लुकअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तीन क्वेश्चन मार्क करूँ तो नहीं होगा, एक स्टार्ट सिस्टम जो होता है ना वो भी लुक वाला सिस्टम यहाँ पे क्लिकेबल नहीं होता है, ओके। आया समझ में सर? हाँ समझ में आया, समझ में आया। तो ये आपका इसका फॉर्मूला आता है। उसके बाद इसमें एक चीज और भी है, शॉर्ट में मुझे डेटा तो चाहिए, शॉर्टेड चाहिए। जैसे इसी डेटा पर हम बात कर ले, डेटा आया हमारे पास इसी की बात, मैं चाहता हूँ क्वांटिटी के हिसाब से शॉर्टेड डेटा यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट का फॉर्मूला आता है। शॉर्ट के फॉर्मूले में अपना डेटा सेलेक्ट कीजिए और बताइए कि कौन सा फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, उसका नंबर देना पड़ेगा, 1, 2, 3 एंड 4। हमने 4 दिया। शॉर्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग? हमने बोला असेंडिंग, क्लिक किया, एंटर मारा, सारे नेम सारे डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में आया। बट हेडिंग सिलेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि वो हेडिंग को भी शॉर्ट कर देगा, ओके। तो लुकअप एंड मेथड क्लास हमारी खत्म हुई, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ एज ए प्रैक्टिस, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम इससे आगे की